समाजवादी पार्टी अहमदनगरच्या वतीने कोतवाली पोलीस स्टेशन अहमदनगर येथे न्यूज 18 इंडियाचा अँकर अमित देवगन याने ख्वाजा गरीब नवाज यांच्याबद्दल अपशब्द वापरले, त्याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात यावा याबाबत निवेदन देण्यात आलं आहे। मैं अजीम राजे, समाजवादी पार्टी शहर अध्यक्ष, बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूँ कि आज भारत के सुल्तान हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा गरीब नवाज, इनके शान में एक घटिया पत्रकार अमिश देवगन ने, जिसके कोई भी वास्ता नहीं होते, हमने ख्वाजा गरीब के शान में गुस्ताखी की, उसका हम दिल की गहराई से निषेध करते हैं। और उस पत्रकार को सबक सिखाने के लिए मैं तमाम गरीब नवाज के चाहने वालों से गुजारिश करता हूँ कि इसके लिए आपको जितना भी वक्त चाहिए, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, आप अपना कीमती वक्त ख्वाजा गरीब नवाज के शान में 3-3 घंटे 4-4 घंटे क्यों ना हो पुलिस स्टेशन में लगाए और उसके खिलाफ अर्जी दर्ज करें, ताकि उसे क्या आने वाली पीढ़ी को भी पता चले कि ख्वाजा गरीब नवाज के शान में बोलने पे क्या हो सजा मिलती है। गरीब नवाज ही ना हो, चाहे हिंदुस्तान के कोई भी सूफी संत हो, किसी भी धर्म का हो, उसके खिलाफ अगर कोई बगावत करता है या उसके खिलाफ कोई बोलता है तो कड़क कार्रवाई होनी चाहिए, जहाँ आने वाले को पता चले कि इसके ऊपर आवाज उठाने के लिए क्या होता है। अगर एक गलत बात बोलता है, मामूली चीज है, वो मामूली नहीं है, वो हमारे लिए बहुत बड़ी है, क्योंकि हम ख्वाजा के चाहने वाले है, हम ख्वाजा के दीवाने। और मैं इसी बात पे उम्मीद करता हूँ कि जितने भी ख्वाजा के दीवाने हैं, जो हर साल लाखों करोड़ों लोग अजमेर में छट्टी के लिए जाते हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप इतना वक्त निकाल कर वहां जाते हैं तो उतना वक्त निकाल कर आप अपने नजदीक के पुलिस स्टेशन में जाए और उसके खिलाफ आवाज उठाए और FIR दर्ज करे, ताकि आने वाले जितने भी है डिबेट लेते हैं या कोई भी हो, अगली टाइम बात आवाज उठाने से पहले वो ये सोच ले कि हम किसके खिलाफ बोल रहे हैं, किसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। आज अहमदनगर शहर में अबू आजमी साहब इनके अध्यक्षता में समाजवादी पार्टी की जानिब से पुलिस प्रशासन को निवेदन दिया गया है।